पवनदीप और अनीता की यूएसए से कुछ और पिक्चर्स सामने आ गई। उन पिक्चर्स को देखने से पहले आपको बता दें, अरुणीता पूरी मुसीबत में फंस गई हैं और अरुणीता को कुछ ऐसी खबर सुनने को मिली कि वो पवन के संग बाहर नहीं जा पाई, होटल में ही रुकी रही। अरुणीता को बहुत बुरा लगा और उदास अरुणीता किसी के सामने भी नहीं आ रही है। अब इतनी परेशान अरुणीता यूएसए में अपनी परफॉर्मेंस कर पाएंगी कि नहीं, ये पूरी बात हम आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि नीतू की पलटन का न्यू ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दरअसल हुआ ये कि कल रात पवनदीप अटलांटा घूमने गए। पवनदीप ने जो फोटो शेयर किया उसमें वो कई सारे दोस्तों के साथ नजर आ रहा है। करीब 4-5 लड़कों के बीच पवनदीप भी मस्ती करते दिखाई दिए। इस फोटो में कहीं भी अरुणीता नहीं दिखी है, जबकि अरुणीता भी इन सब के साथ यूएसए में ही है। और इससे पहले एयरपोर्ट की भी फोटो शेयर हुई थी, जिसमें कई सारे लड़कों के बीच अकेली लड़की अरुणीता ही दिखाई दी। अब इस बात का भी बतंगड़ बन गया और इस बार अरुणीता की मैनेजर दृष्टि नहीं जा पाई, वो केरला में है। ऐसे में अरुणीता को कई सारे लड़कों के साथ यूएसए जाना पड़ा। हालांकि वो पवनदीप के साथ होती हैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं, लेकिन इस बार लोगों ने अरुणीता का मजाक बनाना शुरू कर दिया, बात का बतंगड़ बना दिया। जिसके बाद जब दूसरी फोटो शेयर की गई तो उसमें अरुणीता को नहीं दिखाया गया। हो सकता है कि अरुणीता होटल में हो और वो इतने लड़कों के साथ घूमने ना गई हो, या हो सकता है कि फोटो में अरुणीता को शामिल ही ना किया हो, क्योंकि आजकल अरुणीता को किसी के साथ भी जोड़ा जा रहा है, गलत बातें बनाई जा रही है। हालांकि अरुणीता हर बार पवनदीप के पास ही खड़ी होती और उन्हें लोगों के कमेंट से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जब से ऐसी बातें बनने लगी हैं अरुणीता उदास और निराश हो गई हैं। वो अब पवनदीप के साथ भी बहुत कम फोटो शेयर कर रही हैं। आप अरुणीता के बारे में क्या सोच रहे हैं, कॉमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तो फैंस, पवनदीप अरुणीता कल रात जैसे यूएसए पहुंचे, उन्होंने पहले तो एयरपोर्ट की पिक्चर्स शेयर की, उसके बाद वहां रात के वक्त की फोटो भी शेयर की। शायद इस वक्त वहां रात हो गई होगी और यहां सुबह है। जब ये फोटो शेयर की गई है तब यहां गुड मॉर्निंग किया जा रहा था और इस फोटो में अंधेरा भी दिखाया जा रहा है। जी हाँ, कल रात पवन अरुणीता जिस होटल में रुके थे वहां की फोटो शेयर की है। पवन अरुणीता दोनों नाइट सूट में दिखाई दिए, दोनों बहुत ज्यादा थके भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पवन अरुणीता के साथ साथ इनकी पूरी टीम दिखाई दी और एयरपोर्ट पर इन्होंने खूब मौज मस्ती की। एयरपोर्ट की पिक्चर्स में अरुणीता बहुत अलग और दिलचस्प अंदाज में दिखाई दी। आज ये अपने टूर की तैयारी करेंगे, पहले साउंड चेक करेंगे, उसके बाद आज रात इनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस भी होने वाली है। जल्द वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप पवनदीप और अरुणीता की इन दिलचस्प पिक्चर के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भाई, कुछ फैंस का कहना है कि पवनदीप और अरुणीता ने मुंबई में दिवाली और भाई दूज सेलिब्रेट किया। दिवाली की पिक्चर्स तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन पवनदीप और अरुणीता का भाई दूज कैसे सेलिब्रेट हुआ उसकी पिक्चर्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। अरुणीता का दिवाली का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। पवनदीप पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, लेकिन अरुणीता ने इस बार की दिवाली पर सबको पीछे कर दिया। हर तरफ अरुणीता ही अरुणीता छाई हुई है। अरुणीता की दिवाली पोस्ट पिक्चर कम थी कि कल रात फिर से अरुणीता ने दिवाली की कुछ ऐसी पिक्चर शेयर की जिन्होंने फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ा दी। जी हाँ, ब्लू साड़ी और कर्सलिप व्हाइट ब्लाउज पहने अरुणीता जब दिवाली का दीपक लेकर अपने फ्लैट की बालकनी में आई तो सब उन्हें देखते ही रह गए। जी हाँ, अरुणीता की दिवाली के पिक्चर सामने आ चुके हैं। अरुणीता ने दिवाली पर खूब एंजॉय किया। उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके दोस्त और पवनदीप ने भी ये दिवाली खूब एंजॉय की। दोनों दिवाली पर एक ही घर में दिखाई दिए। अरुणीता हाथ में दीपक लेकर फोटो शूट करवाती दिखाई दी और आलिशान घर के अंदर भी अरुणीता ने बेहतरीन फोटो शूट करवाया। ब्लू साड़ी अरुणीता पर खूब शूट कर रही थी और दोस्तों के साथ अरुणीता की दिवाली के फोटोज आप पहले ही देख चुके होंगे। इससे पहले अरुणीता ने विदेश में भी दिवाली पर खूब मस्ती की। आशीष कुलकर्णी और षणमुख प्रिया के साथ अरुणीता फोटो शूट करवाती दिखाई दी थी। मुंबई की सड़कों पर अरुणीता ने दिवाली खूब मनाई। मुंबई की दिवाली में तो अरुणीता ही अरुणीता चमक रही थी। तो आपको अरुणीता की चमकती दिवाली कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणीता के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसने फैंस को खुशी से पागल कर दिया। पवन अरुणीता ने अपने गाने से एक बार फिर पूरे देश में शोर शराबा कर दिया। हर तरफ पवन अरुणीता की ही चर्चा हो रही है। यूं कहें कि ये दिवाली पवन अरुणीता के लिए लकी साबित हुई। और खास बात ये है कि पवन अरुणीता ये दिवाली एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते नजर आए। हालांकि पवन अरुणीता ने अपनी दिवाली की अपडेट अभी तक किसी को नहीं दी,
कि वो कहाँ है और किसके साथ है, लेकिन उनके साथ वाले लोग जहाँ थे उन्होंने दिवाली के फोटो शेयर किए हैं। पवन अर्धा मुंबई तो आ चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपने फैंस को दिवाली की कोई अपडेट नहीं दी। ये बात वाकई सोचने वाली है। हो सकता है कि पवन अर्धा अपने अपकमिंग सॉन्ग तेरे नैना की शूटिंग में बिजी हों, या फिर किसी काम में बिजी हों, या फिर विदेश से आकर थक चुके हों। फिलहाल तो इस वक्त पवन अर्धा के जिस सॉन्ग की हम बात बताने जा रहे हैं वो सॉन्ग है मंजूर दिल। मंजूर दिल की फर्स्ट एनिवर्सरी पर पवन अर्धा के फैंस को ढेर सारी बधाई, और पवन अर्धा को फैंस से जो प्यार मिला वो वाकई तारीफ के लायक है। एक तरह से ये गॉड गिफ्ट भी है और परिवार का आशीर्वाद भी है। जी हाँ, दिवाली के दिन पर ही पवन अर्धा का मंजूर दिल सॉन्ग रिलीज हुआ था और मंजूर दिल सॉन्ग को 1 साल हो चुका, यानी पवन अर्धा का ये गाना आज भी क्रेज में है। खास बात यह है कि कल वाले दिन पर पवन अर्धा का ये गाना खूब देखा गया, क्योंकि इस गाने में दिवाली के कुछ सीन है जो फैंस के दिल को छू जाते हैं। पवन अर्धा की केमिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया था इस गाने में। पवन अर्धा की आवाज तो मस्त थी, साथ ही एक्टिंग तो सुपर हिट रही, और शायद अब तक पवन अर्धा ने ऐसी एक्टिंग की भी नहीं होगी। और फैंस को अभी भी इंतजार है कि कब पवन अर्धा इसी तरह से नजर आएंगे, इस तरह से कोई म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। आप पवन अर्धा के मंजूर गाने के लिए क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साउथ अफ्रीका से पवन अर्धा के कुछ नए फोटोज आ चुके हैं जिसने फैंस को खुशी से पागल कर दिया है, और फैंस के कमेंट्स की तो बाढ़ आई हुई है। पवन अर्धा की झलक आपको भी दिखाते हैं, शायद आप भी इनके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो ये वहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे तो 22 को इनका शो हो चुका है, लेकिन अब ये कहाँ है और क्या कर रहे हैं वो तो देखिए। कल रात पवन अर्धा लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। जी हाँ, कल वाली पिक्चर में रात के अंधेरे में पवन अर्धा के साथ साथ आशीष कुलकर्णी, षणमुख प्रिया भी दिखाई दिए। चारों सिंगर रात भर साउथ अफ्रीका में पार्टी करते दिखाई दिए, जश्न मनाते दिखाई दिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि त्योहार पर ये अपने परिवार में नहीं है तो उन्हें मिस भी कर रहे होंगे। ऐसे में अकेलेपन को मिटाने के लिए इन्होंने एक दूसरे के साथ रात भर पार्टी की, जश्न मनाया, और पिक्चर में पवन अर्धा की खुशी को तो देखी। दोनों एक दूसरे के करीब होकर बैठे हैं। फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि अरुणिता पवन की गोद में बैठी हैं, और पवन दीप तो खुशी से पागल ही हो रहे हैं। होंगे भी क्यों नहीं, अरुणिता के साथ स्पेशल टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं और दीपावली भी मना रहे हैं। तो अगर अब तक आपने इन्हें दिवाली की बधाई नहीं दी तो इन्हें बधाई भी दें, और इनके इस टूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।